बैक इन पियरिया ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अमृतसर, हमारी ट्रेन है ये जो कि चलती है ओल्ड दिल्ली से पठानकोट तक, बट हमें जाना है अमृतसर तक। तो टोटल जो है वो ट्रेन की टाइमिंग है वो 10 आवर की है जर्नी है, बट हमारी जर्नी होने वाली 8 आवर की। तो देखते हैं कि ट्रेन टाइम पे होती है या क्या होती है। तो आज की ट्रेन की टाइमिंग जो हमारी है वो 8:15 में है। तो अभी हुए हैं टाइम, अभी टाइम हुआ है 7:43, हमारी ट्रेन आई है, ट्रेन हमारी लगी हुई है। तो देखते हैं कितने बजे ट्रेन खुलती है, राइट टाइम पे है या नहीं, सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। और हाँ, और ये ट्रेन है डेली रनिंग बस खासी कुछ खास। ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली जो भी कह लो, वहाँ जाने के लिए आपको चांदनी चौक के लिए मेट्रो लेनी होगी और वहाँ से आपको गेट 3 से एग्ज़िट करना होगा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। उसके बाद वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस अप्रॉक्स मुझे लगता है 10-15 मिनट लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म जो है वो 16 है पुरानी दिल्ली में। तो उसी अकॉर्डिंग आप निकलना सो डैट आप टाइम पर पहुँच पाओ। गाइस बने रहो हमारे साथ, ये ट्रेन चेयर कार इसमें सीट अरेंजमेंट जो है, और हम पहली बार इसमें भी ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, सो वी आर सो एक्साइटेड। आप बने रहो हमारी जर्नी में, हमारे साथ बने रहो और देखते रहो हमारी जर्नी कैसी लगती है। यस, ये दिल्ली पे ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे आती है, हमारी कोच D4 है। ट्रेन की बात करूँ तो ये ट्रेन पहले ओल्ड ICF कोचेस थे इसमें, और अब जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया है न्यू LHB कोचेस में, जिसकी अब मैक्सिमम स्पीड जो है वो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती। इस ट्रेन में टोटल 16 कोच है जिसमें से 1 AC चेयर कार कोच है। चार्जिंग पॉइंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी हमारी सीट नंबर ये, एंड ऊपर लगेज रखने के लिए आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी इस ट्रेन में। सामान रखने के लिए आपको चाय, नाश्ता, खाना, हाँ वही खाना वगैरह रखने के लिए आपको मिल जाएगी टेबल। मस्त डालो चाय, बिस्कुट, पकौड़े, जो भी इंजॉय करो। स्पेस भी आपको अच्छी खासी मिल जाएंगे, प्लस तीनों सीट के लिए अलग अलग ट्रे टेबल हैं। यहाँ 10 की चाय भी मिल जाएगी। एग्जैक्ट 8:16 पर ट्रेन हमारी खुल गई। तो इस जर्नी में हमें टोटल 13 हॉल्स और 74 इंटरमीडिएट स्टेशन मिलने वाले बिटवीन दिल्ली से पठानकोट जंक्शन, और ओल्ड दिल्ली से टोटल 71 स्टेशन के बाद आएगा हमारा अमृतसर। टोटल जो डिस्टेंस है दिल्ली से पठानकोट तक वो है 553 किलोमीटर, और हम आज कवर करने वाले 447 किलोमीटर। ओल्ड दिल्ली जंक्शन के बाद 17 इंटरमीडिएट स्टेशन आएंगे, उसके बाद आएगा हमारा पानीपत जंक्शन जहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी हमारी ट्रेन, और दिल्ली से पानीपत की जो डिस्टेंस है वो 88 किलोमीटर। ये हमें रेट ऑमलेट मिल रहा है जो कि 50 के पड़ रहे हैं, आलू पराठे लिए जो कि 50 का पड़ा, देखते हैं क्या कैसा टेस्ट है ट्रेन का, तो वैसे तो इसके अंदर और ट्रेन का खाने लायक है या नहीं ये बताते हैं फिर आप। देख के तो ठीक ठाक लग रहा है, बट अच्छा है। ये है मनहूस से पराठे, कैसा है खाने लायक, खाने लायक है गाइस, ट्राई कर सकते हैं। पानीपत जंक्शन की बात करें तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट जो है वो हरियाणा स्टेट में पड़ता है, और टोटल जो है प्लेटफॉर्म वो पानीपत पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, और टोटल 118 ट्रेन हॉल्ट करती है यहाँ पे, और डेली 40,000 पर्सन जो है वो ट्रैवल करते हैं यहाँ से। जानते हैं पानीपत फेमस क्यों है। पानीपत को कहा जाता है सिटी ऑफ वेवर्स, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्लैंकेट एंड कार्पेट्स इंडिया में। पानीपत जंक्शन से और टाइम हो चुका है 9:30, और ट्रेन की स्पीड आप देख सकते हो 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। पानीपत जंक्शन में पहुंच गए, और यहाँ पे 2 मिनट का हॉल है और प्लस 12 मिनट का डिले चल रहा है ट्रेन पर पहुँचते ही गरम गरम ब्रेड पकौड़े वगैरह सारे आने लगे।
पानीपत से चार इंटरमीडिएट स्टेशन के बाद हम आ गए हैं करनाल, जो कि 122 किलोमीटर फार है दिल्ली से। और करनाल जो है, करनाल डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी हरियाणा में ही है। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आती है गाड़ी। एंड करनाल जो है वो फेमस, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ हरियाणा का। टाइमिंग थी 9:42 में, बट हम 10 बजे करनाल पहुँच गए हैं। भी आपको 2 मिनट का हॉल मिल जाए। उसके बाद 4 इंटरमीडिएट स्टेशन के बाद हम पहुंचेंगे 10:30 में कुरुक्षेत्र जंक्शन, जिसकी टाइमिंग थी पहले 10:08, बट डीले के कारण हम पहुंचे 10:25 में। वहां भी हॉल्ट आपको 2 मिनट का मिलेगा। करनाल के बाद 4 इंटरमीडिएट स्टेशन आते हैं, उसके बाद आता है हमारा कुरुक्षेत्र जंक्शन, जहाँ पे आती है हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और कुरुक्षेत्र जो है 156 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। और यहाँ टोटल प्लेटफॉर्म जो है आपको 5 मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे आपको 2 मिनट का हॉल्ट मिल जाएगा। तो कुरुक्षेत्र से जुड़ी कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताती हूँ। कुरुक्षेत्र में किसका जन्म हुआ था? तो कुरुक्षेत्र भगवद गीता का जन्म स्थान है। महाभारत का महान युद्ध कुरुक्षेत्र में ही हुआ था, जिससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। महाभारत युद्ध से पहले भी कुरुक्षेत्र जो है वो तीर्थस्थल रहा है। कुरुक्षेत्र से 5 इंटरमीडिएट स्टेशन के बाद हम आ चुके हैं अंबाला कैंट जंक्शन में, जहाँ पे होने वाला है 5 मिनट का हॉल्ट। और ये दिल्ली से 197 किलोमीटर दूर है। और अंबाला कैंट में प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आती है ये ट्रेन। ये वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा का। और यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म जो है वो 8 है। और अराउंड टोटल 300 ट्रेन जो है वहाँ से स्टार्ट, इन और पास होती है थ्रू आउट द स्टेशन डेली बेसिस पे। तो अंबाला की 6 इंटरमीडिएट स्टेशन पास करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सरहिंद जंक्शन, जहां पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है गाड़ी। और दिल्ली से ये टोटल डिस्टेंस जो है इसकी 251 किलोमीटर है, और अंबाला से 54 किलोमीटर है। और सरहिंद जंक्शन जो है वो लोकेटेड है फतेहगढ़ साहब डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब में आता है। और यहाँ पर टोटल प्लेटफॉर्म जो है ना वो 3 है। सरहिंद जंक्शन के 8 इंटरमीडिएट स्टेशन के बाद हम पहुंचते हैं लुधियाना जंक्शन, जहां पे हमारी ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और दिल्ली से लुधियाना की डिस्टेंस है टोटल 311। लुधियाना स्टेशन जो है वो लोकेटेड है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पंजाब के स्टेट में आता है। एंड ये वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है पंजाब का, और प्लस क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का। और टोटल प्लेटफॉर्म लुधियाना जंक्शन पे 7 है। आपको यहाँ पे टोटल 10 मिनट का हॉल्ट मिल जाएगा, तो आराम से आप खाओ पियो स्टेशन पे जो भी चाहते हो। लुधियाना आते छोले कुलचे कितने लगे। हमारी ट्रेन खुली अमरपाली एक्सप्रेस आने के बाद, जो कटिहार से अमृतसर तक जाती है। लुधियाना से 8 इंटरमीडिएट स्टेशन के बाद हम पहुंचते जालंधर सिटी जंक्शन, जहां पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है हमारी गाड़ी। और दिल्ली से इसकी डिस्टेंस है टोटल 368 किलोमीटर। जालंधर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन जालंधर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि पंजाब में। तो अब बात करते हैं जालंधर सिटी की स्पेशलिटी के बारे में। जालंधर सिटी जो है वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज सेंटर है, जिसको टाउन ऑफ स्पोर्ट्स के से जाना जाता है। मीन्स यहाँ पे ना सारे स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चर होते हैं, और वेरियस कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा टोटल 5 मिनट का हॉल। जालंधर के 6 इंटरमीडिएट स्टेशन के बाद हम पहुँचते व्यास जंक्शन, जहाँ पे गाड़ी आती है हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और व्यास जो है वो 368 किलोमीटर दिल्ली से दूर है। और ब्यास जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है वो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में आती है, और इसको क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का अवार्ड भी मिल चुका है। यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म 2 है। बेस की कुल्फी है, अच्छी है। कैसी टेस्ट? अच्छी है टेस्ट। और सारे लोग उतरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग अमृतसर उतरने वाले। ब्यास के बाद टोटल 5 इंटरमीडिएट स्टेशन आते हैं, उसके बाद हम पहुंचते हैं अमृतसर। और अमृतसर में हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आती है। और दिल्ली से अमृतसर की जो डिस्टेंस है वो 447 है। और यहाँ पे जो हॉल्ट है ना, हमें टोटल 15 मिनट का मिलता है, क्योंकि यहाँ से इंजन जो है वो चेंज होता है। पंजाब का लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है, जहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म जो है वो 10 है। ठीक टाइम पे हमारी ट्रेन पहुँच गई अमृतसर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। अब अगर बात करें कि अमृतसर इतना फेमस क्यों है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि अमृतसर वहाँ का होली प्लेस माना जाता है, और ये गोल्डन टेंपल के लिए फेमस है। और यहाँ से गोल्डन टेंपल की जो डिस्टेंस है वो 2.2 किलोमीटर है। तो आपको यहाँ से इजीली
ई रिक्शा वगैरह मिल जाएगा गुरुद्वारा तक जाने के लिए। अमृतसर का पुराना नाम जो था वो था रामदासपुर और अम्बरसर, जिसे बाद में अमृतसर कर दिया गया। अमृतसर को पंजाब का दिल भी कहा जाता है, सारे पंजाबियों का दिल जो है वो अमृतसर में बसता है।